खरगोश और कछुए की कहानी किस किसने सुनी है बेटा, हाथ खड़ा करना एक बार। वेरी गुड, सबने सुनी, लेकिन अधूरी सुनी है। उस कहानी को मैं पूरा करता हूँ आपके सामने। जो कहानी है तीन स्टेप की कहानी है बेटा। पहली पार्ट आपने सुना है, कछुए और खरगोश के बीच में रेस हुई। खरगोश और कॉन्फिडेंस में सो गया, कछुआ रेस जीत गया। यहाँ से तो एक सब सीख सकते हो, काम में आ रहा आपके साथ। आपके काम की कंटिन्यूटी आपको एक दिन जीता देती है। यहाँ तक की कहानी अपन सुनते हैं, लेकिन इस कहानी का दूसरा पार्ट भी है। खरगोश ने कहा कि दोस्त आ, एक बार रेस को दोबारा करते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। दूसरे पार्ट में जब रेस होती है, खरगोश वो गलती नहीं करता है और वो रेस को आसानी से जीत जाता है, कछुआ रेस को हार जाता है। पार्ट बी क्या सीखे, गलतियों से हमेशा सबक सीखनी चाहिए और जीवन में एक गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। पार्ट सी और आता है, कछुआ भी कहीं हार मानने वाला नहीं था। यार देख, तेरे कहने से एक बार रेस की थी, अब मेरे कहने से मित्र रेस को दोबारा कर। लेकिन एक शर्त है कि हम रास्ता बदलें। कछुए ने रास्ता बदला, खरगोश ने उसकी बात मान ली, रास्ता बदला। रास्ते में आगे नदी थी, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलते चलते आगे आया तो खरगोश वहां खड़ा था। कछुआ फिर पानी में तैरता तैरता नदी पार कर गया और रेस को जीत गया। यदि सीधे हाथ अपने कुछ नहीं लगता तो स्ट्रेटेजी चेंज कर दो। जीवन में कभी भी हारना नहीं है, स्ट्रेटेजी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनाओ। मेरे अंदर कितनी शक्ति है वैसी स्ट्रेटेजी बेटा मैं बनाऊंगा। जीवन के अंतिम समय में कोई व्यक्ति अपने आप को सफल समझता है तो मैं और मेरी टीम का सानिध्य से मैं एक बात में सफल समझता हूँ कि मुझे और कुछ नहीं आता है जीवन में, इन बच्चों का जीवन तैयार करने में, इनकी स्कैन करके इनकी ऊर्जा जगाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। मैं उस काम में सफल हूँ, और किसी काम में सफल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता मुझे चेक नहीं करना।